जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC परीक्षा 2021 के लिए बेस्ट बुक्स कौन कौन सी है उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। 2021 की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और आपने अगर अभी तक फॉर्म नहीं किया है फिलअप, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो का लिंक दिया है वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप। दूसरी चीज़, तैयारी शुरू करने से पहले आप जो है इसका सिलेबस अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, और इसके लिए मैंने एक डिटेल से वीडियो आप लोगों को दी है जिसमें फुल डिटेल्स मैंने सिलेबस के बारे में टॉपिक वाइज आप लोगों को बताया है, उसको ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर रहेंगे और कौन कौन सी बुक्स आप लोगों को इसके लिए पढ़नी होगी, तो एक एक सब्जेक्ट के लिए एक एक बुक्स को हम डिटेल्स में जानते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले यार, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य हिंदी के लिए कौन सी बुक लेना चाहिए। देखिए, आपके जो सिलेबस है उसमें 5 नंबर की आपको हिंदी आएगी, और यहाँ पर आप साइड में देख रहे हो कौन कौन से टॉपिक है। देखिए, सिंपल से जो टॉपिक हर एग्ज़ाम्स में रहते हैं वही टॉपिक्स आपको इसमें भी मिलेंगे, जैसे संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए जो है एक शब्द, ठीक है, लिंग है ना, यहाँ पर फिर मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धिकरण, ठीक है, लेखक और रचनाएं, ये जो टॉपिक है। और इस एग्ज़ाम के लिए जो हिंदी का सब्जेक्ट है उसके लिए जो बेस्ट बुक आप लोगों की रहेगी, आप सामान्य हिंदी लूसेंट की लेंगे, जो कि यहाँ पर आप लोगों को साइड में दिखाई दे रही है। यह लगभग 200 रुपये की जो है पड़ेगी, ठीक। अब यहाँ पर ये फ्लिपकार्ट, अमेजन पर ये जो है अवेलेबल आप लोगों को हो जाएगी, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अब इसको आप कैसे पढ़ेंगे, तो पढ़ने के साथ साथ जो है आप जो पुराने पेपर है, ठीक है, पुराने पेपर अगर आप लोगों को चाहिए तो फिर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, वहाँ पर मैं उसका PDF बना के लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक। तो उसको पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस भी जो है करेंगे। जो भी सब्जेक्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक है और उसका क्या क्या सिलेबस है, तो उसके साथ साथ आपको जब आप उस बुक से पढ़ेंगे तो आप प्रैक्टिस भी करेंगे जो पुराने पेपर्स हैं, तब जाके आपकी तैयारी बेस्ट में से बेस्ट हो सकती है, ठीक। बढ़ते हैं अगली बुक की तरफ, जो कि मैथ्स के लिए यहाँ पर रहने वाली है। अब मैथ्स के लिए कौन सी बुक ले, तो इस एग्ज़ाम के लिए आपको जो है शारदा प्रकाशन की अंकगणित जो दिखाई दे रही है, ठीक है, ये आप लोगों को लेनी है, ये बेस्ट बुक रहने वाली है आप लोगों के लिए। और देखिए, मैथ्स के जो सिलेबस है यहाँ पर ज़्यादा आपका सिलेबस लंबा नहीं है मैथ्स का, ठीक है, पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, ठीक है, साधारण अंकगणित और वर्ग, वर्गमूल, घातांकरणी और औसत, ये ही टॉपिक है जो कि 5 नंबर के आप लोगों को पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ आप एक प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, ठीक। साथ में क्या होगा कि आप मैथ्स जब बुक से सॉल्व करेंगे उसके साथ साथ जो है उस टॉपिक से किस अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वेश्चन बनते हैं उसको भी आप सॉल्व करने के लिए एक साथ में प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। वैसे ये अभी नहीं भी लोगे चल जाएगा, प्रैक्टिस सेट आप जो है एग्ज़ाम के पास पास लोगे तो ही आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक। ये बात हो गई मैथ्स के लिए। अब यहाँ पर देखिए, इसमें सामान्य विज्ञान भी है, ठीक, सामान्य विज्ञान से भी आपको 5 अंक, जिसमें भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक जो रसायन विज्ञान है, ठीक है, जीव विज्ञान है, ये भी टॉपिक यहाँ पर मैंसन किए हुए हैं। अब इनमें इसको जो है आगे लेते हुए हम बात करते हैं GK और GS के लिए कौन सी बुक आप लोगों को लेनी चाहिए, कौन सी बुक आप लोगों के लिए यहाँ पर बेस्ट होने वाली है। तो देखिए, GK और GS के लिए वैसे सिलेबस देखोगे तो इसमें यहाँ पर आपका सामान्य जागरूकता में भी आप लोगों के बहुत से टॉपिक है। सिलेबस का जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा, एक एक टॉपिक को मैंने क्लियर किया है। यहाँ पर अगला जो इतिहास से भी आप लोगों को प्रश्न आएंगे, भूगोल भी रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहेगा, ठीक है, भारतीय इतिहास और आप लोगों का आधुनिक भारत, ठीक है, ये सभी चीज़ें आप लोगों को मेंशन की है। और इसी में भी 5 नंबर का आपका सभी का 5-5 नंबर ही यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, और 5 नंबर का आप लोगों का जो आप लोगों का रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, ठीक है, जीव विज्ञान है, ये भी आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो इन सब के लिए जो बेस्ट बुक रहेगी वो रहेगी लूसेंट। जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा लूसेंट बुक जो है ये GK और GS के लिए सबसे बेस्ट बुक है, उससे अलावा आप लोग कोई भी बुक मत पढ़िएगा, क्योंकि देखिए लूसेंट हर बुक का सार है। आप अगर कोई और बुक पढ़ रहे हैं या फिर आप 4 से 5 बुक को मिलाकर आप पढ़ रहे हैं और आप लूसेंट पढ़ रहे हैं, तो लूसेंट इज़ बेस्ट, ठीक। तो ये तो मैं कहूँगा GK और GS वाला जो पोर्शन है इसके लिए आप जो है लूसेंट ही लेंगे, और लूसेंट भी आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएगी। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर देखिए, GK की बात कर ली हमने, GS की बात कर ली, साथ में मैथ्स की हमने बात कर ली, अब रीजनिंग की बात आती है, उसके साथ साथ आपका 5 नंबर की इंग्लिश भी आने वाली है, ठीक है, और अब करंट अफेयर्स वाला भी पोर्शन आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक। अब बढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ, इसके लिए कौन सी बुक आप लोगों के लिए लेनी है वो चीज़ें यहाँ पर आप समझेंगे।
वैसे तो देखेंगे आप तो कोई भी रीजनिंग की बुक्स में जो है आप लोगों के अभी जो सिलेबस दिया है उसमें सभी टॉपिक मेंशन किए होते हैं, लेकिन एक आसान भाषा में और जिससे आपको आसानी से समझ में आए, इसके लिए जो आप लोगों के बुक रहेगी वो परफेक्ट रीजनिंग की रहेगी। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार की रीजनिंग्स अवेलेबल हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए कौन कौन से टॉपिक है तर्क यूँ तर्क शक्ति, ठीक है। यहाँ पर आप क्रम रैंकिंग के कैलेंडर कारण प्रभाव कोडिंग परफेक्ट की जो है आप लोग रीजनिंग की बुक लेंगे ये आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है, UPSSSC PET 2021 एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर हम आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स और इंग्लिश के लिए कौन सी बुक ले उसको लेकर दोस्तों, अनअकैडमी इंडिया का नंबर वन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी घर बैठे अनअकैडमी से कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आप एक महीने से लेके 24 महीने तक का अपने एग्ज़ाम के हिसाब से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन में अगर आप 10% की छूट चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ कर लीजिएगा सुपर10, तो आपको 10% का डिस्काउंट उसमें मिल जाएगा। लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। देखिए करंट अफेयर्स के लिए यहाँ पर बुक्स तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स कितने महीने का आएगा, कब से कब तक का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, ठीक है। मैं करंट अफेयर्स के लिए कोई भी बुक सजेस्ट नहीं करूँगा। आप चाहे यूट्यूब से पढ़िए, अखबार से पढ़िए, या फिर आप मैगजीन से लीजिए, घटना चक्र लीजिए, या आप किस भी तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है तो यहाँ पर आप करंट अफेयर्स के लिए कोई भी बुक ले सकते हैं। उसके लिए कोई यहाँ पर मैं आपको जो है गाइड नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर करंट अफेयर्स पढ़ना कितना है, देखिए आपको पढ़ना है यहाँ पर 2021 का पूरा करंट अफेयर्स। जी हाँ, 2021 का जो 1 जनवरी 2021 से जो भी घटनाएं घटी है भारत हो या फिर स्टेट्स लेवल हो या फिर राज्य अंतर्राष्ट्रीय जो भी लेवल में घटी है, ठीक है, इससे पहले का तो नहीं आएगा। इससे पहले जैसे जो 2020 का जो आपका दिसंबर में या फिर नवंबर में जो मुख्य मुख्य ही घटना हुई है वो पूछ सकता है, लेकिन आप अगर 2021 का पूरा जब से आप लोगों की 2021 शुरू हुआ है और जब आपको एग्ज़ाम होगा जिस दिन, उस दिन तक का आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, इससे ज़्यादा करंट अफेयर्स। अब बात आती है कि जो इंग्लिश आएगी इंग्लिश के आप बेसिक आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं कि फाइंड ब्लैंक, ठीक है, जो जो रिक्त स्थान है वहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, कौन से वर्ड यहाँ पर गलत यूज़ किए गए, ये बेसिक सी चीज़ें हैं और आप कोई भी बुक से यहाँ पर जो है पढ़ सकते हैं। वैसे तो यूट्यूब पे आपको इंग्लिश की भी क्लासेस मिल जाएगी, तो इसके लिए आपको कोई बुक्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। पुराने पेपर आप उठा के देखिएगा, उसमें आपकी जो इंग्लिश के क्वेश्चन है वो कैसे पूछे गए हैं उसी अकॉर्डिंग आप उन्हें ही अगर सॉल्व करते हैं तो आपके 5 नंबर में 4 नंबर वहाँ से इंग्लिश से आ जाएंगे। अब यहाँ पर जितने भी मैंने टॉपिक लोगों को बताए हैं, जितनी भी बुक्स बताई है, इससे ज़्यादा मुझे लगता है आपको इतनी ज़रूरत है। अगर आपने इतना कर लिया तो यहाँ पर एक चीज़ आपकी 100% निकल जाएगी, क्योंकि इससे ज़्यादा एग्जाम नहीं होता और जो है इससे आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी वीडियो अपनी राय जरूर कमेंट में दीजिएगा और चैनल नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल जाएगी। दूसरी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की वीडियो, सिलेबस एग्जाम पैटर्न की वीडियो और डिटेल्स वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, जाके देखिए। जय हिंद।